मैं बनाने लगी हूँ आज पुलाव, चिकन पुलाव। तो ये देखिए, मैंने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इससे इसका जो है ना कलर बड़ा ही इनहेंस होता है। और अभी मैं इसके अंदर टमाटर और बाकी मसाले ऐड करूँगी। तो बस ये आज मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि गर्मी की वजह से बाहर जाने का तो दिल नहीं करता इतना, तो मैंने कहा कि चलें आज घर में बनाते हैं। जी अभी मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। टमाटर मेरा दिल है कि मैं इसको बाद में डालूंगी, पहले मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ, क्योंकि जो ऑयल के अंदर सिर्फ चिकन फ्राई होता है वो बेस्ट होता है। तो ये जी अभी मैं कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, रेड चिली डालूंगी, क्योंकि आपको पता है साथ वो भी डालेंगे, एक चम्मच सूखा धनिया और ये आधी चम्मच हल्दी डालूंगी। जी बिरयानी मसाला आधा डिब्बा ऐड करूँगी, फंसते भी मुझे आप डाल दें और अच्छे तरीके से जब ये फ्राई होगा सूखेगा, फिर मैं टमाटर और आलू ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे घर आलू शौक से खाते हैं। तो जी अभी अमजद आए वापस और ये देखेंगे कितना प्यारा अंगूर लाए, इनका आपको दिखाऊँ। अभी मैं पूरा पैकेट से नहीं निकाल रही, क्योंकि इसके जो दाने ना वो नीचे गिरना शुरू हो गए, ये देखें माशाल्लाह। तो ये साथ भिंडियाँ लाए हैं पकाने के लिए, और ये जी टमाटर हैं, और आपको बस वैसे तो है मैं बताया मैं चावल बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये जो भिंडियाँ ये मैं कल बनाऊँगी, और अभी इसको वॉश करके फ्रिज में रखूँगी ताकि ठंडा हो, फिर सारे इसको एंजॉय करें। पुलाव माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो गया है, और बस मैं अभी सबको बुलाने लगी हूँ खाने खाने के लिए। ओके ओके जी आ गए, ओके जी आ गए, ये आ गए, ये ले आपकी पेप्सी। अब ये देखिए जी, बर्फ अगर ठंडी भी है लेकिन पेप्सी के साथ में अगर बर्फ पड़ेगी तो और ज्यादा, वो जिसको बोलते हैं कोला सही ठंडा, वो मजा आएगा। यही बात है कोले का। ठंडा सा कोला रेडी कर दिया हमने। चलो शुक्रिया जी। मैं नहीं खाता। सही बात है। ये दही है, ये आलू है, ये चिकन है। कल हम जब इसके साथ मसूर की दाल बनाएंगे। हैं? हाँ, जो चावल बचेंगे मजा करेगी ना। ये पुलाव है ना, सादे चावल के साथ जो है ना दाल मजा करेगी। नहीं, इनके साथ ये वाले नहीं होते चावल जिस तरह। चंद्र कहाँ कर रही हो? अच्छा सामने जो है ये स्कूल है बच्चियों का, इस तरह बड़ी लड़कियों का स्कूल है, या इसके ऊपर ये दीवार लगी है, इस साइड पे ये छोटे बच्चों का स्कूल है। आप सुनाए बहुत गर्मी थी जी आज, बहुत ज़्यादा।
रात को निकल सके। चलो मौसम चेंज हो जाता है। तो जी बाहर का वेदर माशाल्लाह, ये देखिए जी ये नया शोरूम खुला हमारे सिटी में, ये भी एक खुली है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी दुकान है, कभी इंशाल्लाह आपको इसका विजिट कराएंगे हम। अभी हम पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बड़ा टाइम बाद हम इस साइड पे आए, तो मैंने कहा आपको साथ व्यू भी कराऊं माशाल्लाह। लेकिन उस तरह की हवा ठंडी नहीं है, बिलीव करें गर्मी वाकई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखा कितना क्यूट है लाइट भी, लाइट्स आपने देख ली शांति? शांति ये भी मजे का घर है, मुझे बहुत मेरा फेवरेट। देख ला नहीं एंजॉय आ, तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे हैं क्या एंजॉय कर रहे हैं हम, अभी नजर आए। रात ही सवारी ना चुका मुझे तो, वो पाकिस्तान में वो याद आ जाते हैं, बसें चलती हैं जो जो गाड़ियां चलती हैं राह से सवारी ना चुका, मुझे बड़ी हंसी आती है इसका ये फिक्र सुन। पार्क है यहाँ पे, फेस्टिवल भी लगा था, मैंने आपको दिखाया था। ये काफी खूबसूरत एनवायरनमेंट है। और हम जो सुनाए हाँ जी जबरदस्त, अब जाके पूरा दिन जो है गर्मी में हमने गुजारा, अब जाके शांत है। हाँ जी बिल्कुल, राज रखी ठंडी हवा जो है ना। हमारी मिट्टी आ गई है शहजादी, क्या बात है शहजादी, क्या बात है शहजादी है शहजादी। कितनी प्यारी इसकी डेकोरेशन हुई है, ये देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप। ये ले ये आपके लिए, देखेंगे हम पेट्रोल पंप करेंगे इतना खूबसूरत, देखें साफ सुथरा और ओके। तो जी शांजे ही है सिर्फ हमारे साथ, हम बाहर का चक्कर आपको पता लगा रहे हैं। तो ये हमने जूसेस लाए, ये है जी ये स्पेशली बच्चों का इन स्टाइल में बनाया, तो ये देखिए सिर्फ पीने वाला अलमराई का मैंगो,
और ये हम जलाए दूध है, ये डेट मिल्क है, ये बड़ा शौक है लेकिन मैं सिर्फ पसंद नहीं करती। मेरा फेवरेट तो आपको पता है मैंगो का ही है, अलमराई का। साथ पानी लाए, ठीक है। ये लाए जी छांजे के लिए चिप्स, और ये छांजे का केक, और ये छांजे का जूस, और ये छांजे। चले जी, क्या खाएगी? हाँ चलो बैठ के पहले केक खा, केक खाना है, पहले बैठ के छांजे केक खा लो। अच्छा ले जाओ, पीछे बैठ जाओ। तो जी अब जाके गए, यकीन करें बाहर का मौसम अच्छा हुआ है। और ये देखें जी, ये पेट्रोल पंप है, साथ इसके लिए सुपर मार्केट बनी हुई है। यही खूबसूरती है जी सऊदी अरेबिया की, देख रहे हैं आप साफ सुथरी मार्केट, और ये सामने मस्जिद बनी हुई है। कॉफ़ी शॉप है पर वो कॉफ़ी शॉप चलती नहीं है, सामने हाँ नया पंप है। ये सामने गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं जो होती है ना ट्रेवल वाली, जो जा रही है यहाँ से जी आगे जॉर्डन या कुरियात वाली साइड पे। तो वापस सिटी की तरफ जा रहे हैं, और माशाल्लाह जी वेदर भी अभी नॉर्मल हो गया है माशाल्लाह।